सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बुध पर्वत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे योगों के विषय में मैं बताऊंगा जो कि साफ साफ दर्शाते हैं कि भविष्य में आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धनवान बनेंगे, अमीर बनेंगे, या फिर आपका जो भविष्य है बहुत ज़्यादा उज्ज्वल रहेगा। वहीं कुछ ऐसे पक्षों के विषय में भी बात किया जाएगा जिस पर अगर आप काम करते हैं तो अपनी बौद्धिक क्षमता को बहुत प्रबल कर सकते हैं, अपने कमियों के ऊपर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं और बहुत जल्द सफल हो सकते हैं। तो पिछली वीडियो में इसी विषय में बुध पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी और वहाँ टारगेट रखा गया था कि 100 कमेंट ऐसे आएंगे, उसके बाद यह सेकेंड पार्ट बनेगा। तो वहाँ वो टारगेट कम्प्लीट हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले बात यह करेंगे कि बुध पर्वत उभरा हो या फिर नीच का दबा हुआ हो, तब क्या फर्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपका बुध का क्षेत्र बहुत अच्छा उभरा हुआ हो, बहुत अच्छा एरिया ले रहा हो, जैसा यहाँ एग्जांपल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से अगर आपका बुध पर्वत है तो आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि के हैं। तेज बुद्धि का मतलब जल्दी सीखने समझने वाले, झटके में परिस्थिति को भांप पाने में आप जैसे ज़्यादा सक्षम होते हैं, अधिकतर बात सोच विचार के करना ही पसंद करते हैं, बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन लेना ये सब पसंद नहीं करते। ये सब जो भी कॉम्बिनेशन है ये सब जो है बुध पर्वत दबे वाले लोगों में देखने को मिलता है। इस विषय में जब आएंगे तो डिटेल में बात किया जाएगा और अंत में इसका रेमेडी भी आपको दिया जाएगा कि आप दोनों को क्या करना है, उभरा हो या फिर किसी का नीच का पर्वत हो। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि जब बुध पर्वत डेवलप्ड होता है तो ऐसे जातकों का जो रुझान है वो विज्ञान की तरफ ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए कंप्यूटर, इंटरनेट, कोडिंग, इन सब चीज़ों के प्रति नॉलेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर बहुत जल्दी ये चीज़ें सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं आप जैसे जातक, तो उस चीज़ में पूरा का पूरा नॉलेज गेन करके ही काम करने वाले रहते हैं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी काम करना यहाँ पसंद नहीं करते हैं। बुध पर्वत अगर विकसित अच्छा हो तो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज एटीट्यूड यह दे देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे बिलीव नहीं रखते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकल वे में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनका बुध पर्वत वैसे ही बहुत अच्छा होता है तो ऐसे जातक अधिकतर मामलों में बहुत अच्छे बिजनेसमैन या फिर आपको सीए करते हुए, अकाउंटेंसी करते हुए, और आज के टाइम में डॉक्टरी लाइन में भी जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, डॉक्टरी लाइन में जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, उन सबके हाथ में भी बुध पर्वत बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है या फिर यहाँ पर सेपरेटली मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल होती है, जो इस बात का प्रमाण होती है कि आपका नेचर प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में ज़्यादा है और आप सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, तमाम तरह के सिचुएशंस को इजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो यही रीज़न है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ छोटे से छोटे बारीक से बारीक बातों का भी ज्ञान ऐसे जातक रखते हैं, एकदम पूरे अंदर तक हर बात के घुस जाने वाले, डिटेल एनालिटिकल, डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का नेचर ये देता है। और जिनका बुध पर्वत थोड़ा बहुत भी हल्का सा दब रहा है या फिर उभरा नहीं है तो ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं, अंधभक्ति ऐसे जातकों में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी बिलीव करने के कारण कई मरतबा धोखा भी बहुत जल्दी खा जाते हैं, तो अधूरा ज्ञान उन जातकों में थोड़ा ज़्यादा रहता है। कोई भी पर्वत हथेली में विकसित हो तो उसके शुभ परिणाम आते हैं। बुध पर्वत अगर आपका विकसित है तो आप कभी भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई काम करना पसंद ही नहीं करेंगे, यही रीज़न है कि आपके अंदर परफेक्शन ज़्यादा रहेगा और जब तक आपको परफेक्शन ना मिल जाए तब तक आपको उस काम से सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। और जब यह बुध पर्वत उभरा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा अवसरवादी होते हैं, सही समय की तलाश में हमेशा देखने को मिलते हैं। अब सेकंड इसमें कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनका यह बुध पर्वत अधिक उभरा हुआ है, यानी सूर्य के भी एरिया को यहाँ पर जो है कवर कर रहा है या फिर बहुत अत्यधिक उभार है, फिंगर ही थोड़ी बहुत नीचे दब गई है, इतना ज़्यादा उभार है। तो इस कंडीशन में इससे जातक बहुत ज़्यादा ही चतुर चालाक देखने को मिलते हैं, अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले होते हैं, इसीलिए ऐसे जातकों को जल्दी भरोसा किसी पर होता ही नहीं है या फिर भरोसे करना इनको आता ही नहीं है। ये लोग अच्छे से अच्छे चीज़ों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ या कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और कैसे भी कुछ भी करके ऐसे जातक काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। तो जितने भी बहुत ज़्यादा खासकर अपने जीवन में बहुत जल्दी जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उन लोगों के हाथ में बुध पर्वत दबा हुआ होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि वो लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं और यही शॉर्टकट या फिर बहुत ज़्यादा किसी का एक प्रकार से डुप्लीकेट जो चीज़ें कर पाते हैं, एकदम जो बेहतरीन तरीके से जो नकल कर पाते हैं, उनके अधिकतर लोगों के हाथ में बुध पर्वत एक्सट्रीम उभरा हुआ रहेगा, नहीं तो दबा हुआ देखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पर जब बुध पर्वत आपका दबा हुआ रहे, कम एरिया ले रहा हो या फिर फिंगर ही बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दब गई हो जिस कारण से बुध पर्वत को कम एरिया मिल रहा हो, तो जिस भी तरह से बुध पर्वत थोड़ा बहुत भी दबा है या कम एरिया ले रहा है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अधिकतर जो काम है वो कहीं ना कहीं आधे अधूरे ज्ञान के साथ करते हुए देखने को मिलते हैं, अपने मन की पूरी बात नहीं कह पाते, बातों को थोड़ा छुपाने की आदत होती है, स्टेज फियर होता है,
और इस कंडीशन में हमेशा आदत होती है हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की। तो यही कुछ आदतें होती हैं जिसके कारण आपके अधिकतर काम आधे अधूरे रहते हैं या फिर झटके से कोई भी काम बनते हुए देखने को मिलता है। मन बहुत ज़्यादा ही इस कंडीशन में चंचल होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कंडीशन में ये रहती है कि आप जैसे जब तक आँख बंद कर किसी पर भी भरोसा करते हैं या फिर परिस्थितियों को जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समझ पाने में भी आप जैसे जब तक सक्षम होते हैं। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी गलत निर्णय ले लेना या गलत लोगों पर भरोसा कर लेना, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जितने भी लोग हैं जिनको अधिकतर धोखा मिलता है, उनका बुध पर्वत नहीं तो दबा रहेगा, नहीं तो यहाँ पर हृदय रेखा गुरु से कनेक्टेड रहेगी। यही वो कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल व इमोशनल नेचर भी बिल्ड करता है। दूसरी बात इसमें यह रहती है कि मन बहुत चंचल रहता है। तो इस कंडीशन में मन चंचल रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ विचारधारा चलती रहती है। सबसे बेहतरीन प्लानिंग आप जैसे जाता कि अपने जीवन में करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर दो दोस्त हैं तो उसमें से एक का जो बुध है वो उभरा हुआ है, दूसरे का बुध दबा हुआ है, तो उभरा वाला बुध उस जो दूसरा फ्रेंड है उसका आइडिया लेकर के आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिलता है। और ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जीवन में आए हैं, फ्रेंड में भी हुआ है, हस्बैंड वाइफ में भी ये कॉम्बिनेशन मिलता है, सन और फादर के अंदर में भी ये कॉम्बिनेशन मिलता है। जब कुंडली मिलान करने की बारी आती है तब ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है डेफिनेटली। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे मेन यहाँ पर देखने को मिलने के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े राजनीति में भी आज के टाइम में लोग हैं या बहुत जो एक्सट्रीम लेवल के सफल व्यापारी हैं उनके हाथ में भी ऐसे बुध पर्वत दबा पाया जाता है। अब ये बात एकदम आपको कहीं ना कहीं पचेगी नहीं, लेकिन राजनीति में क्यों सफल हो पा रहे, क्योंकि ये लोग अपने जो सत्ता है, अपना जो इनका सीट है, चेयर है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चापलूस किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो ऐसे जातक फैक्ट के साथ काम नहीं करते। जैसे स्टार्टिंग में ही कहा गया कि अंधभक्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए शाम दाम दंड भेद कर कुछ भी करके अपने सीट को बचाने वाले में, अपने काम को निकलवा पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। सफल व्यापारी भी इसलिए होते हैं क्योंकि फटाफट डुप्लीकेट किसी भी चीज़ की नकल कर पाने में, दूसरे की आदत को अपना पाने में बहुत जल्दी सक्षम होते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र में सफल हुआ है तो ऐसे जातक किसी दूसरे जगह पर जाकर के, यानी दूसरे सिटी, राज्य या कहीं विदेश का कुछ लेकर के आके उस अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग मिलता है यहाँ पर। सबसे बड़ी कमी ऐसे जातकों में यही होती है कि बिना प्लानिंग के काम करते हैं। तो बिना प्लानिंग के काम करने से फ़ायदा तो कम लेकिन नुकसान थोड़े ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन है उस विषय में भी यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए। जैसे कि अगर आपके अब बुध पर्वत दबा हो या उभरा हुआ हो, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी कारणवश क्रॉस का साइन बन जाता है, छोटा ही हो या बड़ा, तो यह अस्थिर बुद्धि को दर्शाता है। जितने भी समाज में विरोधी किस्म के लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी किस्म का व्यक्तित्व तो नहीं रखते हैं, समाज के दायरों को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनमें अधिकतर मामलों में ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अपराधी किस्म का व्यक्तित्व होता है, माफ़ करिएगा, इसीलिए बुध को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी उपाय को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग हो सके। आप जैसे जातकों में बुद्धि बहुत अच्छी होती है क्योंकि किसी का मस्तिष्क रेखा इस कंडीशन में बहुत लंबा रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी हैकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, हैक करने की, वेबसाइट हैक करना या फिर किसी भी कोडिंग को तोड़ देना, क्योंकि बुद्धि तो है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव जगह पर हो रहा है, उलट बुद्धि का यूज़ हो रहा है, इसीलिए क्रॉस का साइन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा अपराधी तत्व को इंडिकेट करता है। दूसरी बात, अगर किसी भी कारणवश यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड हो गया, चाहे छोटा ही हो या बड़ा, तो इस कंडीशन में ये बहुत बेहतरीन लाभ देता है। छोटे छोटे प्रयत्नों से भी आप जैसे जातकों को बहुत लाभ मिलता है क्योंकि हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में उतरते हैं तो इमीडिएट ग्रोथ मिल जाने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर किसी भी कारणवश यहाँ बुध से रेखा निकल के आपके सूर्य की तरफ अगर जा रहा हो, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस कंडीशन में हर काम से आप जैसे जातकों को मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा ज़्यादा होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का रुतबा, नाम, इज्जत, शोहरत आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। नाम कमाने के इच्छुक ऐसे जातक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आपका बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बहुत कम हाथों में ये कॉम्बिनेशन मैंने खुद ने आज तक पाया है, लेकिन जब जब ऐसे जातक जीवन में मिले हैं ये लोग सीधे के सीधे आर पार ही रहे हैं। आर पार कहने का तात्पर्य है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल के बड़े रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल के पहुंचे हुए इंसान रहे हैं, और अधिकतर मामलों में 80% अबव केसेस में ये जातक व्यापारी रहे हैं। सबसे ज़्यादा धनी, सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, ये सबसे अच्छे धनवान या सुख सुविधा ग्रसित करने वाले और सबसे अट्रैक्टिव नेचर और बहुत अच्छे हीलर, सबके सब ये ट्रायंगल के साइन वाले यहाँ पर बुध पर्वत पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साइन होते हैं। जितनी बेस्ट क्वालिटी है इन लोगों में आ जाती है, जिनका ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल ऐसा साइन यहाँ पर बनता है, उन जातकों में थोड़ा बचपना भी देखने को मिलता है, बच्चा बुद्धि रहता है। बच्चा बुद्धि होने से क्या होता है कि लाइफ के मैटर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, इसलिए हंसी मजाक, मजाकिया, हंसमुख किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण खुद भी जीवन के जो है मनोरंजन अथवा मजे लेने वाले होते हैं और दूसरों को सुख व खुशी प्रदान कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सबसे मेन कड़ी कि अगर आपका पर्वत उभरा हुआ है या अधिक उभरा हुआ है,
तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आप जैसे जातकों को हर काम में परफेक्शन चाहिए रहता है, और जब परफेक्शन नहीं मिल पाता है किसी काम में तो वो काम खुद जो है करने लग जाते हैं, या आदत होता है आप जैसे लोगों में। तो इस कंडीशन में जो वर्कलोड है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत जल्दी डायरेक्शन चेंज भी होने लगता है। तो ध्यान रहे, वर्कलोड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, और जीवन में टेंशन वरीज ज़्यादा होने के कारण घर परिवार में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए परफेक्शन चाहिए भी तो सामने वाले को समझा दीजिए वैसा काम करने को, या फिर किसी परफेक्ट आदमी को ही चुनिए अपना काम कराने के लिए, लेकिन अपने काम को छोड़ कभी भी दूसरा काम हाथ में ज़्यादा ना लीजिए। और जहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हैं तो कर लिया करें, क्योंकि इससे समय बचता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे बच जाती है। और अगर किसी का पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है तो सबसे बड़ी कमी आप जैसे यही होती है कि आप जैसे जातक बिन प्लानिंग के काम करते हैं। तो थोड़ा सोच विचार कर दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचेंगे, तो ये बुध पर्वत आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, बहुत ग्रेट सक्सेस देगा। आपका माइंड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, डायरेक्ट बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करते हैं इमोशनली या फिर एक प्रकार से थ्योरेटिकली, तो बहुत जल्दी राय में भी परिवर्तन होता है। स्टार्टिंग में कहा गया कि अंधभक्ति होती है, तो इमीडिएट भक्ति में भी चेंजेस आ जाता है। तो ये सब चीज़ ना हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड मेंटेलिटी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन स्टेबिलिटी आपको आपके काम में देखने को मिलेगा। और अगर किसी का क्रॉस का साइन है तो उसको अपना कुंडली दिखाना चाहिए, नहीं तो अपना पूरा हाथ चेक करवाना चाहिए, तभी उसका जो रेमेडी है वो सजेस्ट किया जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें बुध पर्वत के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, क्या एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में इन सब रेखाओं या पर्वतों के माध्यम से कर पा रहे हैं जरूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।